हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको ना लिक्विड रबर स्टैम्प या पॉलीमर रबर स्टैम्प जो भी बोलिए उसको पूरी जानकारी दूंगा, कैसे बनती है, क्या क्या करना पड़ता है उसमें, ए टू जेड। कुछ भी स्किप मत करना, आप पूरा वीडियो देखना तभी आपको समझेगा। और जो आपको किसी का पतला रहता है स्टैम्प, किसी का थिकनेस कम आता है, डीप कम रहता है, वो सब मैं आपको बताऊँगा, क्या करने से क्या होएगा, कैसे डीप आएगा, कैसे आपको स्टैम्प अच्छा बनेगा, वो सब मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये ट्रेसिंग पेपर पे प्रिंट लिया, एक तो नॉर्मल और एक रिवर्स प्रिंट लिया। उसके बाद उस पर एक लिक्विड आता है जिससे हम डार्क प्रिंट करते हैं। ये देखिए, ये लिक्विड है, इसको मारने के बाद वो डार्क होता है, जो मैंने वो अभी डार्क कर लिया है। तो मैं अभी इसको कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाता हूँ। इसको मशीन पर आते हैं हम लोग, पहले मशीन पर आया, इसको यहाँ ऐसा मशीन पर रखा डार्क करने के बाद, और इसके बाद जिलेटिन रोल होता है, ये देखिए जिलेटिन रोल लिया और इसको हल्का सा ऐसा कट करेंगे। ये देखिए, इसको हल्का सा ऐसा कट कर लिया और इसके बाद पानी लगाएंगे इसको ऐसा लेके। तो उससे क्या होगा, जिलेटिन रोल ना ये पानी के ऊपर ही चिपकेगा फ्रेंड, आपको इसके लिए पानी लगाना है। टेप भी नहीं, वो वैली नहीं है, उतना काम नहीं करता वो। अच्छा, ये आपका एक नंबर काम करेगा, ठीक है। आपने पहले भी कुछ चिपकाया रहेगा ऐसे, वैसा ही है, बस एकदम इजी है स्टैम्प बनाना। आप पूरा वीडियो देखना, पूरी समझ में आएगा, स्किप मत करना आप, तो आपका जो भी इसमें क्वायरी है ना सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसको ऐसा देखो, कपड़ा से ना हल्का सा प्रेस करना है, हार्ड हाथ नहीं, सॉफ्ट हाथ से ऐसा, ये देखो बस। ये जो अपना जिलेटिन पेपर था, जिलेटिन प्लास्टिक है, ये चिपक गया, अभी आपका ट्रेसिंग फिक्स हो गया उस पर। इससे क्या होगा, आप में बबल्स नहीं आएंगे, स्टैम्प खराब नहीं होगा, ये देखो। ओके फ्रेंड, ये आपका ट्रेसिंग चिपक गया, बस इसको ऐसे ऐसे, ये बबल्स नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान देना है अपने को, कोई बबल्स नहीं आना चाहिए। ये देखो डन, बबल्स नहीं रहना चाहिए, आपको ये ध्यान देना है कपड़े से ना, उसको ऐसा करना है कि बबल्स ना रहे। ये हो गया देखो, अभी हमने ना ये बॉर्डर टेप बोलते हैं इसको, ये हमने पहले से ही कट करके रखे, आप भी इसको कट करके रख लेना। और साइड में ना बॉर्डर टेप है तो बॉर्डर पे ही मारना है, जो भी आपका बॉर्डर है उस पर देखो ऐसा, ईजी एकदम, एकदम ईजी है स्टैम्प बनाना। पहले आपको कुछ दिन लगेगा ऐसा, लेकिन एकदम ईजी है, कोई भी बना सकता है, कोई भी बिजनेस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको एक स्टैम्प की कॉस्टिंग 10 से 15 रुपए ही आने वाली है, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है, अच्छा बिजनेस है, मैक्सिमम प्रॉफिट वाला बिजनेस है। अभी ये हो गया, अभी उसके ऊपर हमने लिक्विड डालना है, ये अभी ये लिया, अभी हम इसके ऊपर लिक्विड डाल दिया, ठीक है, ज़्यादा आ गया है, अभी हम उसको निकाल लेंगे, लिक्विड लिक्विड निकाल सकते हैं। अभी उसको लिक्विड ज़्यादा आ गया है तो उसको लिक्विड हम उसको थोड़ा वहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए अभी ज़्यादा आया लिक्विड, तो इसको साइड से ना लिक्विड ऐसा निकाल लेने का, इससे कोई बांधा नहीं, ज़्यादा आएगा चलेगा, निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये ध्यान देना है कि वो अंदर का जो अपना ट्रेसिंग डाला है हम लोगों ने ब्लैक वाला, वो हिलना नहीं चाहिए, तो इसलिए ऐसा निकालना है कि आपका ट्रेसिंग हिलना भी नहीं चाहिए आपका, और लिक्विड भी निकलना चाहिए। ये देखो, ये ऐसा निकालते गए, जितना भी अपने को लग रहा है कि एक्स्ट्रा है वो ऐसा निकाल दिया, दोनों साइड से ऐसा निकाला, ये देखिए ये निकाला, जो भी ज़्यादा लगे आप ऐसा निकाल लेना, जो बाहर आएगा वो वेस्ट नहीं जाएगा। अब थोड़ा सा डालोगे तो आपका ये शायद कम ही निकालना पड़े,
और ये अपने आप धीरे धीरे फैलेगा, आपको बीच में अगर डाल देंगे ना तो अपने आप चारों साइड फैल जाएगा वो, आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो अभी मैंने निकाल दिया, मैक्सिमम लिक्विड निकाल दिया है, तो अब आगे का प्रोसीजर हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया, कोशिश क्या करना है कि जिधर भी खाली पड़ा है उधर पूरा भर देना है, कहीं भी ना उसमें खाली ना रहे। उससे क्या होगा कि डीप एक तरह का आएगा, नहीं तो अगर आपका एक साइड में लिक्विड हो गया तो एक साइड भर जाएगा आपका और एक साइड का डॉट वगैरह उड़ जाएगा। तो ये सब सॉल्यूशन है इस वीडियो में, आपको इतना प्रॉपर आपको कोई ट्रेनिंग जैसा यूट्यूब पे मैं देखा नहीं है, सब लोग आधे आधे डाल देते हैं, फिर उससे क्या होता है अपने को पूरा समझ में आता है। तो हम आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हैं जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं। ये देखिए अभी ये बैकसीट है, उसके ऊपर ये बैकसीट डालना है, उसके साइज़ का कट करना है, उसको भी डाल सकते हैं। या ये देखिए ये बैकसीट है, थोड़ा सा चारों साइड से ज़्यादा रखना है अपने को, ये ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है। उससे क्या होगा कि जो बैकसीट है लिक्विड अगर कुछ बाहर आया तो वेस्टेज नहीं जाएगा आपका। ये देखिए बीच में से प्रेस करना है, ये देखो फ्रेंड ऐसा बीच में से ऐसा साइड से हल्का हल्का करके छोड़ देना है। ये देखो आपने अभी डीप अपने को ज़्यादा चाहिए ना, तो हल्का सा एक पैकिंग दे देना है जिससे कि आपका डीप ज़्यादा आएगा। ये देखो ये ऐसा ये रख दिया, देखा आपने अभी ये ना ये डीप आएगा, इससे क्या होगा थोड़ा स्टैम्प में डीप आएगा। अभी हो गया, अभी आपको टाइमिंग देकर दिखाता हूँ मैं। ये किया मशीन को ऑन किया और इसमें जो फर्स्ट टाइमिंग है वो 6 सेकेंड रखेंगे, 6 सेकेंड वाली, और उसके बाद फिर दूसरा जो है सेवेंटी सेकेंड। ठीक है, ये हो गया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आई इधर वो जो हमने वाइट प्रिंट लिया था उसको हम यूज करेंगे। अभी इसको हल्का सा कट कर लेंगे, इसको डबल शेप डबल साइड जो टेप आता है ना टीशू टेप बोलते हैं इसको, ये टीशू टेप है, तो इसमें आपको डबल साइड टेप से इसको चिपकाना है दोनों साइड से। ये देखिए ये डबल साइड टेप है, इसको अपन ऐसा लिया। ठीक है, दोनों साइड से ये करना है, डबल साइड टेप है, दोनों साइड है, एक तो ट्रेस आपका इस पर आएगा, ये देखिए ऐसा दिखेगा बनने के बाद आपको। ठीक है, तब तक उधर टाइम दिया है, तब तक ये क्या ये टेप दोनों साइड से मार लेते हैं तो अपने को ना टाइम थोड़ा कवर होएगा। इसमें एक लिक्विड में पहले जो फ्लेक्सो प्लेट पर बनते थे ना वो बहुत टाइम लगता था, एक घंटा आधा घंटा, ये सिर्फ 10 मिनट्स में पूरा स्टैम्प आपको बन जाएगा। 10 स्टैम्प 20 स्टैम्प रहेगा ना, 10 मिनट्स मैक्सिमम है इसमें। ये देखिए इधर रेडी हो गया, जब तक हम लोगों ने इधर रेडी किया तब तक उधर टाइम हो गया होगा आपके मशीन का, आप ध्यान देंगे ना। तो देखिए इधर हो गया ये, अभी हम लोग उधर चलते हैं मशीन पर, तो उधर अपना टाइम भी हो गया है। देखिए ये हो गया, टाइमर बंद हो गया, अभी हम लोग इसको ओपन करते हैं। ये देखिए फ्रेंड ये बन गया, अभी हम इसको बाहर निकालेंगे, ग्लास को निकाल लिया, ये हो गया, अभी ये बाहर आ गया, ये हो गया, मशीन बंद किया। आपको एक एक करके मैं सिखा रहा हूँ कैसे कैसे है आपको, ये जो बिगनर है उनके लिए, जो बना रहे होंगे उनको तो सब आता है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं इसकी, वो तो मास्टर रहते हैं। अभी देखो इसमें जो लिक्विड है ये भी हम लोग निकाल लेंगे, हम लोग कोई भी लिक्विड वेस्टेज नहीं करना है थोड़ा भी आपका कुछ। अभी देखो आप ये हमने लिक्विड निकाल ली, ये देखा आपने ये निकल गया। अभी मैं आपको आगे का दिखाता हूँ,
अभी इसके इस पर भी लिक्विड है, वो भी निकालना है। ये देखिए यहाँ भी लिक्विड फंसा है, ये भी निकालेंगे हम लोग, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। एक सरीका का है नहीं, किधर भरा है, डीप भी देखिए कितना अच्छा है, आपको दिख रहा होगा, ज़रा जूम करके देखें कैसा आया है। ये देखिए डीप, देखिए आप कितना सुंदर दिख रहा है इस टाइम। तो ये आप भी बना सकते हैं, और हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो हम आपके इधर बंदा आके सिखा के जाएगा, कोई भी तकलीफ आपको होगा तो हम आपको फुल सपोर्ट देंगे, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, वीडियो कॉलिंग से भी सपोर्ट देंगे आपको। अगर कभी लगा समझो कोई भी स्टैम्प बनाने में बराबर नहीं बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, किसका है, वो भी हम बताएंगे आपको। ये देखिए पूरा लिक्विड निकाल दिया, इसमें कुछ भी लिक्विड बचने नहीं दिया हमने। अब इसको ना ये आते, इससे पहले शैम्पू वगैरह से वाश करते थे, अभी तो क्या बहुत सारे ये आ गए मार्केट में, जिससे बर्तन धोते हैं ना, इससे रिफ्लेक्ट यूज करते हैं, या और भी बहुत सारे हैं डिश वाश, कोई भी डिश वाश ले लेने का उसे। ये देखिए ऐसा, ऐसा घर देने का, तो जो ऊपर लिक्विड रहेगा वो सब निकल जाएगा। ये देखिए एकदम इजी है, ये देखिए जो भी है ना, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपको मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, पूरा दिखा रहा हूँ, ना एडिट कर रहा हूँ ना कट कर रहा हूँ, पूरा कैसे बनता है, कुछ भी कट नहीं किया, ओरिजिनल जो होता है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ भी एडिट किया हुआ नहीं है, कुछ भी छुपाया हुआ नहीं है, स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रहा हूँ आपको विदाउट स्किप। आप देखो आपको पूरा स्टैम्प बनाने का कोई झंझट नहीं, किसको पूछना नहीं पड़ेगा, ये वीडियो आपने देख लिया ना तो आपको कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये देखिए ओके, अभी हमने इसको मशीन में डालना पड़ता है, फिक्सर बोलते हैं, ये पानी में फिक्सर है, फिक्सर डाल के थोड़ा आपको ये चालू कर दिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको एक मिनट के लिए आपको रखना पड़ेगा, एक मिनट रखने के बाद उसका जो भी है चिकट चिकट रहता है वो सब ठीक हो जाएगा, चिकट चिकट कुछ नहीं बचेगा। ये आपको आधा मिनट भी रखेंगे चलेगा, ऐसा नहीं एक मिनट, हाँ एक मिनट भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये अपना टाइम है, एक मिनट में हो जाएगा, अभी देखिए हो गया, तो अभी मशीन बंद कर देते हैं यहाँ से और इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया, ठीक है। इसको कपड़ा से ना ऐसा इधर लेके कपड़े से इसको साफ कर दिया, ये देखिए इसके क्या होगा, वो पानी में फिक्सर रहता है तो साफ़ नहीं करेंगे, बराबर चिपकेगा नहीं, तो इसको आपको प्रॉपर साफ़ करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं अंदर। इसके बाद हो गया, अभी इसमें डबल साइड टेप है, देखो मैम ने अभी टेप लगाया है, तो इसमें एक साइड प्रिंट दिखेगा, उल्टे साइड को निकालना है टेप, बैक साइड जो इधर है इधर इसे निकाला, ये देखो आप ध्यान से देखो, ये निकाला, इसके बर्ड टू बर्ड चिपकाना है, ये देखो समझो, ये बस, ये देखो प्रिंट एकदम बर्ड टू बर्ड चिपका है, एक भी बर्ड आपको इधर उधर नहीं दिखेगा, डीप देखो इसका, आप इधर देखो डीप, देखो इतना डीप है। तो अगर इससे और कुछ इंक्वायरी आपका बच गया हो,
समझो इसको और कुछ बच गया जो आपको समझ में नहीं आया हो तो ऑफलाइन कॉल कीजिए, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन में, मेरे नंबर पर कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। मेरा ऑफिस नई मुंबई में जेके चैम्बर में है, सेक्टर 17 वासी नियर गोल्डन पंजाब होटल। और ये देखो मैं आपको एक स्टैम्प कट करके और स्टैम्प मार के दिखाता हूँ, समझो। एक पट्टी है, फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये पट्टी हो गया आपका और इसमें स्क्रू लगाया ऐसा, ये हैंडल इधर ऐसा फिटिंग किया गया। इसका बैक साइड से टेप निकालने का, एक साइड से, ये देखो एकदम इजी है, आप भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। एक स्टैम्प बनाने में मैक्सिमम आपको 10 रुपीज़ ही जा रहा है। और ये देखो ये आपका हो गया रेडी, ट्रू कॉपी का स्टैम्प है ये। किया क्वालिटी देखो। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ फॉलो कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कॉल मी। थैंक यू।